आने का इंतजार कर रहे हैं हम। तो अब हमारे गुरुजी आ गए हैं, तो उसके बाद पूजा शुरू होती है। गुरुजी पूजा करते हैं, हमारे घुंघरों की पूजा भी करते हैं और उसके बाद हमें आशीर्वाद देते हैं, फिर रियाज शुरू करते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम थोड़ा बहुत रियाज शुरू कर लिया करो। तो हम रियाज करते हैं उससे पहले भी और फिर पूजा करते हैं और रोज़ पूजा करते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस चालू करते हैं। ओम गुरु नमः गुरु गुरुदेव नमः गुरु साक्षात् परम तत्त्वे श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिदेवं वर्तनं गुरुजालोकं उमासुरं रुद्रनाथं महावीरेश्वरं पादभंगनं ओम नमः शिवाय 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 शक्ति भगवान हमें शक्ति दो भगवान कि हम कुछ काम कर पाए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुछ अच्छा कर पाए। हम शालू का स्वागत है, शालू आई यहाँ और इसका बहुत स्वागत हुआ इसका। बच्चों का बड़ा अच्छा होगा तो फिर हमारे भी अच्छा अच्छा हो जाएगा इस साल। भगवान सबका भला करना भी है तो शुरुआत मेरे से करना है। हम बोलते हैं शुरुआत इससे करना बच्चों। तो पहले सीनियर्स जो है हमारे, ये तीन जो दीदियां हैं ये हमारी सीनियर्स हैं। पहले गुरुजी इनकी क्लास लेते हैं और उसके बाद हमारी क्लास लेते हैं। और ये जो भैया है ये भी हमारे सीनियर हैं, इन चारों की क्लास साथ में होती है और उसके बाद हमारी क्लास होती है। एक बात मैं आप सभी के साथ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो हम डांस सीख रहे हैं ये हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस है, नृत्य है, कथक डांस, प्योर क्लासिकल डांस जिसे कहते हैं। ये सेमी क्लासिकल डांसेस से अलग होता है। कई लोगों को लगता है कथक और सेमी क्लासिकल सेम चीज़ें हैं, लेकिन नहीं। सेमी क्लासिकल वो होता है जिसमें जैसे हमारे सेवन डांस इंडियन क्लासिकल डांसेस होते हैं, उन सब का मिश्रण जो होता है, मिक्सचर जो होता है, उसे सेमी क्लासिकल कहते हैं। जैसे कि जो मूवीज़ में क्लासिकल डांसेस दिखाते हैं वो क्लासिकल नहीं होते, वो सेमी क्लासिकल होते हैं क्योंकि वो मूवी के लिए बना है और उसे
तोड़ मरोड़ के बनाया गया है, तो वो प्योर चीज़ नहीं है, वो सेमी क्लासिकल चीज़ है। और जो ये हम सीख रहे हैं ये कथक है, और ये प्योर चीज़ है, ये क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल प्योर चीज़ है। कई लोग सोचते हैं कि कथक जो है और जो मूवी में दिखाते हैं वो सेम होता है, लेकिन नहीं, ये इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में। और जो भी मैं अपनी वीडियोस में डांस परफॉर्मेंसेस करता हूँ जो क्लासिकल बेस्ड होते हैं, लेकिन वो क्लासिकल नहीं होते, प्योर क्लासिकल, वो सेमी क्लासिकल होते हैं। लेकिन हर चीज़ का अपना एक मज़ा होता है, सेमी क्लासिकल का अपना मज़ा है और प्योर क्लासिकल का अपना मज़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सेमी क्लासिकल करता है और जो क्लासिकल करता है वो बुरे लोग हैं, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए और जो क्लासिकल करते हैं वो अच्छे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। मेरे गुरुजी अभिनव मुखर्जी, जिनसे मैंने कथक सीखना शुरू किया था, तो उन्होंने एक बार कहा था कि खिचड़ी का और दाल चावल का अपना अपना स्वाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब खिचड़ी गंदी होती है तो हम उसे नहीं खाते हैं। खिचड़ी का भी अपना स्वाद होता है और दाल चावल का भी अपना एक स्वाद होता है, तो हम बुरा किसी को नहीं कह सकते। तो ये डिफरेंस था जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता था। मैंने घुंघरू इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि मेरे पाँव में चाय गिर गई थी, तो इस वजह से मैं घुंघरू नहीं लगा पाया था एक दो दिन के लिए। लेकिन हम घुंघरू पहन के ही रियाज करते हैं। I'm over with my classes, not her. Now, going back to home. आज मैंने आमद सीखी, उसके बारे में बाद में बताऊँगा, कथक के बारे में। तो ऐसे ऐसे हमारा दिन गुजरता है कॉलेज में। शानवी का दूसरा दिन था मेरे साथ, तो चलो घर पर मिलते हैं हम। हमारी टाइम टाइम फिश हो चुकी है। सो हाउ वाज योर डे जानवी? बोरिंग, अच्छा था, मेरे लिए बोरिंग था, तुम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। या इट वाज। सो डू यू लर्न समथिंग हियर और जस्ट या शी वाज जस्ट ऑब्जर्विंग हम कैसे कैसे कर रहे हैं? इसे भी आ गया थोड़ा थोड़ा। Good afternoon, everyone. Good afternoon, guys and girls. So I'm back from college, और बाजी भी आ चुकी हैं। तो या मुझे सुबह कमेंट आया था किसी का कि मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर बहुत ही ईजी है। अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स कथक। मैंने अपनी एक और डिग्री की है, बैचलर इन सॉरी केमिस्ट्री ऑनर्स, बैचलर्स डिग्री इन केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये शेड मेरे ऊपर पड़ रही है सारी। तो वो मेरी अभी अभी जुलाई में कंप्लीट हुई थी। तो अभी मैं फिर से एक बैचलर्स डिग्री कर रहा हूँ जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स की है।
तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए आपको जो क्राइटेरिया होता है वो ये रहता है कि आप 12th के बाद एलिजिबल होते हो उधर एडमिशन लेने के लिए, बट ज़रूरी नहीं है 12th के बाद, आपने अगर कोई पहली बैचलर्स डिग्री की है तो उसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हो। बट मेरा मानना है कि अगर आप 12th के बाद एडमिशन लो तो ज़्यादा बेटर है। ये 4 साल का कोर्स होता है बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसके बाद आपको 2 ईयर्स की मास्टर्स डिग्री करनी पड़ती है। वो आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। मैंने अभी जुलाई में अपना केमिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अब मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे मास्टर्स भी करना है इसी में। अभी मुझे डांस ही परस्यू करना है आगे, नॉट ओनली डांस और भी कुछ करना है, तो बट अभी के लिए आई एम परस्यूइंग दिस। तो अगर आपको भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में हिमाचल में, अगर आई डोंट थिंक कि हिमाचल में कोई और परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज है, फाइन आर्ट्स कॉलेज है शिमला के अलावा, जो ये है अभी नया बना है जो हमारा कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, हिमाचल में अभी तक तो नहीं है। जैसे कि डांस, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, ये हिमाचल में नहीं है, सिर्फ शिमला वाले में है। मे बी फ्यूचर में मे बी क्या होना चाहिए ये सब भी, लेकिन मास्टर्स के लिए अभी परफॉर्मिंग आर्ट्स का हिमाचल में है नहीं, तो मास्टर्स के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मे बी जब तक मेरी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो तब तक यहाँ हिमाचल में भी मास्टर्स के लिए आ जाए, तो आप या 12th के बाद यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, और अगर आपने कोई अंडर ग्रेजुएशन डिग्री की है उसके बाद भी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा रहता है कि अगर ज़्यादातर जो बैचलर्स डिग्री के कोर्स होते हैं वो 12th के बाद ही होते हैं, तो 12th क्लास के बाद 2 ईयर्स का गैप होना चाहिए। अगर 2 ईयर्स से ज़्यादा होता है, जैसे मेरा 3 ईयर्स का गैप हो गया केमिस्ट्री ऑनर्स में, क्योंकि 3 ईयर्स का तो मिनिमम होता ही है बैचलर्स डिग्रीज़ के लिए। कुछ कुछ डिग्रीज़ होती है जिसमें 4 ईयर्स लगते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ इसमें है, तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी रहती है फाइन आर्ट्स के लिए। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, हिमाचल की नहीं, जो कि 12th के बाद अगर 2 साल का आपका एज स्टडी गैप है तभी आप एडमिशन ले सकते हो, अगर उससे ज़्यादा होगा तो आप वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो या बस यही था, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा मेरे कॉलेज का। आपको पता लग गया कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, और अभी अभी मैं कॉलेज से वापस आया हूँ, अभी 4:30 हो रहे हैं, और लास्ट में मतलब जब शाम का वक्त होता है तो हमारे रूम पे बहुत अच्छी धूप आती है, बहुत ज़्यादा। सवेरे दूसरे वाले बैक साइड वाले कमरे में आती है और शाम मेरे कमरे में होती है, यहाँ पर मैं सोता हूँ। ये मैं आपको दिखाऊंगा कल के व्लॉग में कि यहाँ का सनसेट कैसा होता है। तो बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, और मेरी वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय टूडल्स। सो आई एम बैक। तो ये था आज का मेरा दिन। तो यू नो द ड्रिल, इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब, लाइक, सॉरी यू नो द ड्रिल, इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, कमेंट, भूल गया मैं तो ये सब भी।